गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति माथुर, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ CS302। उसका टॉपिक है यूनिट नंबर 3 से डिस्ट्रक्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। देखिए, डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है दैट वर्क्स जस्ट ऑपोजिट टू कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑपोजिट काम करता है कंस्ट्रक्टर के। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना। तो डिस्ट्रक्टर का क्या काम है? डिस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना, ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना। सिमिलर टू द कंस्ट्रक्टर, द डिस्ट्रक्टर नेम शुड एग्जैक्टली मैच विद द क्लास नेम। जैसा आपके कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली सेम होता है एज योर क्लास नेम, वैसे ही डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है एज योर क्लास नेम। आपका डिस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता और कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेता। इट कैन नीदर रिटर्न अ वैल्यू नॉर कैन टेक इट एनी पैरामीटर्स। जो डिक्लेरेशन होता है दैट शुड ऑलवेज बिगिन विद द टिल्ट सिंबल एज शोन इन द सिंटेक्स बिलो। जैसे टिल्ट सिंबल लगाना है आपको, फिर क्लास का नाम या आपके जो भी डिस्ट्रक्टर का नाम, बिकॉज दोनों सेम होंगे, वो लिखेंगे और फिर उसका कोड लिखेंगे। डिस्ट्रक्टर्स कैन बी वेरी यूजफुल फॉर रिलीजिंग रिसोर्सेज बिफोर कमिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम, लाइक क्लोजिंग फाइल्स, रिलीजिंग मेमोरीज एक्सेट्रा। अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली वेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, मतलब आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया है, या वेन अ स्कोप कंटेनिंग लोकल वेरिएबल एंड्स, वेन यू कॉल द डिलीट ऑपरेटर। अगर आप अपना डिस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो आपका कंपाइलर एक डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर क्रिएट करता है आपके लिए। द डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर वर्क्स फाइन अनलेस वी हैव डायनामिकली अलोकेटेड मेमोरी और पॉइंटर इन आर क्लास। अगर आपने कोई डायनामिकली मेमोरी अलोकेट नहीं की है न्यू ऑपरेटर से, या पॉइंटर नहीं है आपकी क्लास में, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सही तरीके से वर्क करता है। लेकिन अगर आपने न्यू से कोई मेमोरी अलोकेट की है और डायनामिकली कोई मेमोरी अलोकेट कर रखी है, तो आपको एक डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। दिस मस्ट बी डन टू अवॉइड मेमोरी लीक। एक क्लास में आपके मोर देन वन डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं हम डिस्ट्रक्टर का। एक क्लास क्रिएट किए हमने, एम्प्लॉई नाम है जिसका। पब्लिक सेक्शन में लिखा जाएगा हमेशा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो आपने पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाया है एम्प्लॉई, जिसमें आप एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है जिसको प्रिंट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर इनवोक्ड। फिर आपने एक डिस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें आपने इतना ही लिखा है डिस्ट्रक्टर इनवोक्ड। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन से, फिर सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है एक एम्प्लॉई क्लास का E1। जैसे ही आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट बनाते ही। कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करने की आपको नीड नहीं है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आउटपुट में, वो प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर इनवोक्ड। उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट और बनाया है एम्प्लॉई E2। तो जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट और बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर वापस से कॉल होगा, फिर प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर इनवोक्ड। जब आपका कंस्ट्रक्टर, आपका मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया, तो अब इस मोमेंट पर डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा कंपाइलर और ये प्रिंट करेगा डिस्ट्रक्टर इनवोक्ड एक बार और फिर दोबारा एम्प्लॉई E1 के लिए। दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसलिए आपने दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट होंगे, इसलिए दो बार ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ है, डिस्ट्रक्टर इनवोक्ड एंड डिस्ट्रक्टर इनवोक्ड, दो बार प्रिंट हुआ है ये। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। देखिए, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है काउंट, ग्लोबली डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज कर रखा है उसको जीरो से। क्लास क्रिएट की है आपने अल्फा, इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक डिस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में आपने लिखा है काउंट +++, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है और प्रिंट किया है आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ऐसे ही आपने डिस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट किया है पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया है। मेन फंक्शन में देखिए, जैसे ही आप मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, आपने एक लाइन प्रिंट करी है, एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है,
इसमें लिखा है एंटर मेन, तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा आउटपुट में आपका एंटर मेन। उसके बाद आपने लिखा है अल्फा ए वन, आपने स्टेटमेंट लिखा है अल्फा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, तो चार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं आपने, आपका चार बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू को जीरो से इंक्रीमेंट करेगा वन, और प्रिंट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन, फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड टू, नंबर ऑफ क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड थ्री, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फोर। चार बार प्रिंट करेगा क्योंकि आपने चार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ये, ठीक है, चार बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया इसलिए। अब आपने एक ब्लॉक स्टार्ट किया है, उसके अंदर आपने लिखा है एंटर ब्लॉक वन, तो ये प्रिंट हो गया आपका एंटर ब्लॉक वन। फिर वहाँ आपने अंदर लिखा हुआ है अल्फा ए फाइव, एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फाइव। आपका ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये इस विद इन दिस ब्लॉक ही इसका स्कोप है, तो जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर आएंगे इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही स्कोप ख़त्म हुआ ये डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉयड कर देगा, मतलब लास्ट जो आपने फिफ्थ ऑब्जेक्ट बनाया है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड फाइव। आप इस ब्लॉक से बाहर आ गए, एक दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर आपने सबसे पहले लिखा है एंटर ब्लॉक टू, तो ये प्रिंट हो गया एंटर ब्लॉक टू। जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट और बनाया अल्फा ए सिक्स, तो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करेगा और प्रिंट करेगा, तो 5 माइनस 1 4 किया था, फिर 4 प्लस 1 वापस 5 हो गई, तो ये प्रिंट हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5 और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 5। इस ब्लॉक से बाहर आ गए इसलिए ये डिस्ट्रॉय भी हो गया आपका। लास्ट स्टेटमेंट है आपका सी आउट री एंटर मेन, तो ये प्रिंट हो गया री एंटर मेन। ये जब आपका मेन प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके जितने भी आपने बनाए हैं ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो एक फिफ्थ ऑब्जेक्ट तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके थे। जैसे ही आप लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मेन का, बचे हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉयड 4 3 2 1, चार ऑब्जेक्ट्स थे, चारों ऑब्जेक्ट आपके डिस्ट्रॉय हो गए डिस्ट्रक्टर के थ्रू। जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर क्रिएट होते हैं डिस्ट्रक्टर उसके रिवर्स ऑर्डर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके डिस्ट्रक्टर के, जिसके थ्रू मैंने आपको ये डिस्ट्रक्टर समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।